हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आपको पता ही कि आजकल मैं अपने चैनल पे उत्तराखंड की वीडियो दिखा रहा हूँ। तो पिछली वीडियो मैंने आपको दिखाई थी रुद्रप्रयाग संगम की, जहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं। तो आज मैं आपको पांच प्रयागों में से सबसे महत्व रखने वाला प्रयाग देवप्रयाग दिखाऊँगा। इस जगह का धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है और दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। अलकनंदा का उद्गम स्थल संतोपद बद्रीनाथ है और भागीरथी का उद्गम स्थल गंगोत्री गोमुख है। यह दोनों नदियां यहां संगम के बाद आगे गंगा बन के चलती हैं। इसके अलावा यहां के बारे में कहा जाता है कि जब भागीरथ ने तप कर माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए राज्य किया, तब गंगा माँ के साथ 33 करोड़ देवी देवता भी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरे। तब उन्होंने अपना आवास देवप्रयाग को बनाया, जो कि माँ गंगा की जन्मभूमि है। इसी स्थान पर श्री रामचंद्र जी का भी मंदिर है। कहा जाता है कि जब रामचंद्र जी ने रावण को मारकर कुछ दिन अयोध्या में बिताने के बाद इसी स्थान पर ब्रह्म हत्या से निजात पाने के लिए तप किया था। रावण एक महान पंडित भी था, जिनका वध श्री राम जी ने किया था। उसी से निजात पाने के लिए राम जी ने यहाँ पर तप किया था। उत्तराखंड में इन नदियों को सास बहु भी कहा जाता है। अलकनंदा को बहु और भागीरथी को सास कहा जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हम देवप्रयाग संगम पर पहुँच गए हैं और यहाँ पर दो नदियाँ मिलती हैं, अलकनंदा और भागीरथी। तो आप देख सकते हो यहाँ कितनी भीड़ है। और जब ये दोनों नदियाँ मिलती हैं तो आगे गंगा बन के चलती हैं। और अभी हम चलते हैं यहाँ पर नीचे और पंडित जी मिलेंगे, तो उनसे भी पूछ लेते हैं यहाँ के बारे में। यमुना प्रसाद डबराल, देवप्रयाग बद्रीनाथ तीर्थ पुरोहित। ये यहाँ से जो आ रही है, ये अलकनंदा गंगा है। ये बद्रीनाथ से 30 किलोमीटर ऊपर से आ रही है। इसमें 5-6 नदियाँ मुख्य हैं, सरस्वती गंगा, धौली गंगा, पिंडर गंगा, मंदाकिनी, नंदाकिनी जो केदारनाथ से आती है, मंदाकिनी इसमें समाहित है। ये भागीरथी है मेरी बाई ओर, ये गंगोत्री गौमुख से आती है। इसको राजा भागीरथ, भगवान रामचंद्र जी के दादाजी थे, जो बूढ़े दादाजी, वो इसको लाए थे अपने पुत्रों के, अपने पुरखों के उद्धार के लिए। कपिल मुनि के आश्रम में राजा सगर के 60,000 पुत्र जो है कपिल मुनि के साथ से जो जल गए थे, उनके उद्धार के लिए राजा भागीरथ भागीरथी गंगा को लाए। यहाँ ये जो ये क्षेत्र जो है, ये भगवान का सुदर्शन क्षेत्र कहलाता है। देवप्रयाग ये विष्णु नाभि है, भगवान के गया में पैर हैं, यहाँ पर नाभि है और बद्रीनाथ में कपाल है। जिनके माता पिता दादी दादा जो गुजरे हुए लोगों, दिवंगत आत्माओं को यहाँ पर पिंडदान, तर्पण और जलदान किया जाता है। और अलकनंदा में सौभाग्य पूजा होती है। यहाँ पर देव, यहाँ पर तर्पण और देव कार्य, दोनों प्रकार के कार्य यहाँ पर संपन्न किए जाते हैं। यहाँ से जो दोनों का मिलन होने से देवप्रयाग से ही संगम का नाम शुरू हुआ है। यहाँ तक अलग अलग नाम है, अलकनंदा और भागीरथी। यहाँ से गंगा नाम और गंगा सागर तक गंगा कहलाती है। ये विष्णुनाभि क्षेत्र है। यहाँ पर जो है भगवान राम ने भी यहाँ पर तपस्या करी थी और अपने पितरों का पिंडदान तर्पण यहाँ पर भगवान राम ने किया था। ये जो क्षेत्र है, ये जो देवप्रयाग क्षेत्र सुदर्शन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, भगवान के सुदर्शन। यहाँ पर भगवान रामचंद्र जी का बहुत विशाल मंदिर है, 108 दिव्य मंदिरों में से ये मंदिर भी है। यहाँ पर भगवान राम ने तपस्या करी थी ब्रह्म हत्या छुड़ाने की। जब रावण को मारा था, उसके बाद ब्रह्म हत्या निवारण के लिए यहाँ पर भगवान ने तपस्या की और उनका जो है शंकराचार्य द्वारा उनका मंदिर यहाँ पर स्थापित किया गया है, जो कि यहाँ पर कुछ ही दूरी पर है भगवान राम का मंदिर। ये जो है दिव्य क्षेत्रों में आता है। उत्तराखंड का पहला तीर्थ स्थान है, यहीं से उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है और यात्रा करने के बाद लोग स्नान करने के बाद यहीं पर यात्रा का समापन करके अपने घरों को जाते हैं। ये यहाँ का महत्व है। यहाँ पर ये दशतांचल पर्वत है, ये नरसिंहाचल पर्वत है, ये दशतांचल पर्वत है और ये गिद्धांचल पर्वत है। ये तीन पर्वतों के बीच में और तीन नदियों के बीच में, अलकनंदा, भागीरथी और गुप्त रूप सरस्वती, इनके ये है पुण्य क्षेत्र है। ये भगवान रामचंद्र जी के चरणों में गंगा बहती है और यहाँ पर श्री रामचंद्र चरणार बिंदु, यही संकल्प में, यहाँ के संकल्प में यही आता है। जय गंगा, नमो नमो गंगा। जय।
तो ये थी देवप्रयाग संगम की पूरी कहानी, और आप मेरे सामने यहाँ पर मछलियाँ देख सकते हो, और यहाँ पर लोग आते हैं मछलियों को खाना भी देते हैं, और यहाँ पर मछलियों को भी बहुत शुभ माना जाता है, और अगर आपको इनको कुछ खिलाना है तो यहाँ पर आप इन्हें दे सकते हो। तो कैसे लगे आपको आज की हमारी ये वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आज जोड़ दे बेचना भी तो रख ले। कितने होंगे?